आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ब्रोकन फोकस सिंड्रोम के बारे में। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। लोग अपने अपने गोल्स के ऊपर फोकस नहीं है, और जब फोकस नहीं है तो फिर सफलता मिलती नहीं है। यदि हम कोई भी काम फोकस होके, मतलब एकाग्र चित्त करके और उसमें पूरा 100% अपना अटेंशन देके, यदि आज से समझो 1-2 घंटे रोज ऐसा करते हैं, और वो समझो 3 महीने 4 महीने 5 महीने करते हैं ऐसा, तो देखो 6 महीने बाद में समझो कितनी सफलता मिल सकती। समझो 2 घंटे आप एखादा किताब पढ़ रहे हैं रोज, और या 2 घंटे एखादे काम के ऊपर आप फोकस कर रहे, वही काम कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे, और आप से 6 महीने आप कर रहे, 6 महीने बाद में देखो कितने बहुत बड़े एक्स्ट्रॉन रिजल्ट हमको मिलेंगे। मगर हम क्या करते हैं कि हमारा लक्ष्य विचलित हो जाता है, और हमारे लक्ष्य विचलित करने वाले काफ़ी सारी चीज़ें अभी आई हुई है, जैसा कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फिर नेट सर्फिंग है, अलग अलग माध्यम है, फिर इंस्टाग्राम होगा, और जो भी कुछ माध्यम है कि जिसमें हमारा कॉल्स आते रहते हैं और उसमें हमारा फोकस जो है वो ब्रेक होते जाता है। यदि हम ब्रेक ना करते हुए बाकी सब चीज़ें बंद कर दिया, डिस्ट्रैक्शंस जो है, इंटरप्शन है, वो बंद कर दिया, और एक काम यदि लगातार 6 महीने हम एक काम करते, 6 महीने तक बिना उसको गैप देते हुए, बिना ब्रेक करते हुए, और उसके ऊपर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते, देखो हमको कितनी सफलता मिलेगी हमको पता ही नहीं। मगर होता क्या है कि समझो साधे एक मॉल का मैं एग्जांपल देता हूँ। आप समझो कोई मॉल में आप जाते हो और आपको एक शर्ट खरीदना है, वो हिसाब से या वो इंटेंशन से आप मॉल में जाते हो। अब मॉल में जाने के बाद में आपको जैसे ही मॉल में एंट्री करते हैं तो आपको वहाँ काफ़ी सारे लोग दिखाई देंगे, बच्चे लोग, लड़कियाँ लोग, जो आपको बुलाएंगे इधर आइए इधर आइए इधर आइए। वो समझो बेचते होंगे परफ्यूम या सेंट, अलग अलग बॉडी परफ्यूम्स, डिओडोरेंट्स, और आपको बुलाएंगे, ये 3 के ऊपर 3 फ्री है, 2 के ऊपर 1 फ्री है, जो भी है आपको बुलाएंगे कि आप ले लो, वो लो वो लो, आपको अलग अलग जो उसके ऑर्डर से वो आपको सुंघाएंगे और बोलेंगे ले लो, और आपको टेम्पटेशन हो जाएगा कि आप वो ले लेंगे शायद। आपको खरीदना है शर्ट या आपको खरीदना है पैंट, और आप उसके लिए वहाँ मॉल में गए हुए हैं और आपने अभी खरीद लिया 2 के ऊपर 2 परफ्यूम्स। देखिए लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले काफ़ी सारे लोग होते हैं, और वो फिर आप उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और अपना मेन जो इंटेंशन है, मेन फोकस है, वो होता नहीं है। अभी समझो मुझे अकाउंटिंग का एक पैकेज सीखने का है, और अकाउंटिंग का मुझे पैकेज सीखने का है, और वो मैं उसके ऊपर रोज़ 2 घंटे बैठता हूँ, और वो मैं 6 महीने तक बैठता हूँ रोज़ 2 घंटे। देखो 6 महीने बाद में मुझे उसमें मास्टरी मिल जाएगी, अच्छा वो मैं कर सकूँगा। आप रस्ते पे से जा रहे हो और काफ़ी सारे कुत्ते आपके ऊपर भोंक रहे हैं, और आप हर भोंकने वाले कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंकने लगे तो मुश्किल हो जाएंगे, आप अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँचेंगे नहीं। ऐसा बोला जाता है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भोंके 1000। तो काफ़ी सारे लोग डिस्ट्रैक्शन करने वाले होते हो, काफ़ी सारे लोग आपकी मजाक उड़ाने वाले होते हो, काफ़ी सारे लोग आपको आपके फोकस से दूर खींचने वाले होते रहते हैं। मगर आप यदि आपके ऊपर फोकस है और आपका गोल क्लियर है कि आपको करना क्या है, तो फिर आपको कुछ भी संभव है। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि भाई आपको क्या दिखाई देता है, तो अर्जुन के पहले उन्होंने युधिष्ठिर को पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। उनका एजुकेशन हुआ धनुर्विद्या का, उनको बोला कि चलो अभी आप क्या करो कि वहाँ चिड़िया रखी हुई है एक पेड़ के ऊपर, अभी उसके दाहिने आँख जो है ना वो आपको तीर से उड़ाने की है, या वो आपको निशाना लगाने का है। उसको पूछा युधिष्ठिर को कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, बोले मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, मुझे हरा जंगल दिखाई दे रहा है। चलो बोले बाजी हो जाओ। भीम को बुलाया, बोले तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, बोले मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे आम दिखाई दे रहे हैं, मुझे वो पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे जंगल दिखाई दे रहा है। अर्जुन को बुलाया कि भाई अभी तुमको वो चिड़िया को मारने का है, आपको क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन बोले मुझे सिर्फ वो चिड़िया की दयनीय आँख दिखाई दे रही है, बाकी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इतना फोकस और फोकस ओरिएंटेड एक्शन यदि वो आपकी होती है तो आपको कुछ भी संभव है। तो आपने ब्रोकन फोकस सिंड्रोम जो है, इसका मतलब यह है कि हम कोई भी काम के ऊपर फोकस करके पूरा समय देते नहीं हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो यदि हम करते नहीं हैं तो ज़िंदगी में हम कुछ भी
करना संभव है, कुछ भी कर सकोगे और उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हमको आएंगे। तो आज से यह तय करो, एक काम के ऊपर 100% आप दे रहे हो, फुल फोकस दे रहे हो और ज़िंदगी में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर रहे हो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।